नमस्कार, घंटी बजाओ के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज देश में बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दिन भर हमने तस्वीर आपको दिखाई और देश में आजादी का जश्न बनाने की आजादी हर किसी को है। हर कोई जाए जहां मर्जी झंडा फहरा सकता है, अपनी भावनाओं का उत्सव बना सकता है। लेकिन एक राज्य ऐसा है, केरल, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर सवाल खड़े हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने केरल के एक स्कूल में जाकर झंडा फहराना चाहा। कलेक्टर की तरफ से एक मेमो जारी हुआ जिसमें उनको ऐसा करने से रोका गया। रात 1 बजे आनन फानन में यह सब कुछ जारी हुआ, लेकिन उसके बावजूद झंडा फहराया गया। इस इंकार और प्रतिकार के बीच एक बहुत बड़ी कहानी है जिसे आज ध्यान से देखने की जरूरत है। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित ने यह रिपोर्ट आपके लिए विशेष तौर पर केरल से भेजी है। इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि हमारा मानना है कि किसी भी राज्य में असहिष्णुता के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर इसको रोकने में कोई भी राज्य सरकार असमर्थ होती है तो फिर संविधान के दायरे में जो भी कार्रवाई हो उसे करना चाहिए। रिपोर्ट देखिए और अगर सहमत है तो घंटी जरूर बजाइए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, जय सलाम, जय सलाम। त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, जय सलाम, जय सलाम। एक तरफ राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ देश में सहिष्णुता की आवाज उठाने वालों के बीच दक्षिण के राज्य केरल में छिड़ी रक्त रंजित राजनीति का ये वो चेहरा है जिसने अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे तक को अपनी जद में ले लिया। 71वें स्वतंत्रता दिवस पर केरल में पलक्कड़ के स्कूल में राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आप देख रहे हैं। जबकि यहां कलेक्टर ने मेमो जारी कर कहा था कि कोई नेता सरकार से अनुदान मिलने वाले स्कूल में तिरंगा फहरा नहीं सकता। संघ कहता है कि झंडा कोड के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी स्कूल में ध्वजारोहण कर सकता है। अब सवाल यह, आखिर क्यों रात में 1 बजे फरमान जारी कर संघ प्रमुख को तिरंगा फहराने से केरल में रोका जा रहा था? क्या आरएसएस प्रमुख के तिरंगा फहराने से केरल में लेफ्ट सरकार को कोई संकट नजर आने लगा, या फिर केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तारवादी कदमों से लेफ्ट को चुनौती महसूस हो रही है? ऐसी चुनौती जिसने गॉड्स ओन कंट्री यानी भगवान की धरती कहे जाने वाले केरल में आरएसएस के स्वयं सेवकों और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी राजनीति छेड़ रखी है। संघ का कहना है कि 1950 से ही लेफ्ट उन पर हमले कर रहा है, जबकि सीपीएम का कहना है कि हिंसा के जरिए आरएसएस केरल में अपने पैर पसारना चाहता है। ऐसे में सच क्या है? हमारे एक प्रश्न है, केरल में क्या राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को अपने संगठन के कार्य करने के लिए नागरिक अधिकार नहीं है? ये हमले तो हमारे ऊपर ज्यादा हो गए हैं। हमारा एक प्रश्न है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर होने हो रहे हैं इस प्रकार के स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रनाइज्ड, स्टेट सपोर्टेड इस प्रकार के वायलेंस को देश के लोग देखकर चुप रहेंगे और आरएसएस उनको टारगेट करती रहेंगे? इसीलिए एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित सीधे खूनी राजनीति के ग्राउंड जीरो केरल और इस वक्त देश में रक्त से सने सियासी भूकंप के एपिसेंटर केरल के कन्नूर जिले में पहुंची। पहले ये समझना जरूरी है कि यहां आने का कारण क्या है। आरएसएस का दावा है कि 1 साल के भीतर उसके 14 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या सीपीएम के लोगों ने केरल में की है। सीपीएम के नेता कहते हैं कि केरल में हिंसा भड़काने का काम आरएसएस कर रहा है और उसके 16 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या संघ बीजेपी के इशारे पर हुई है।
आरएसएस की अपनी दलील, सीपीएम के अपने दावे, इसलिए सच की जमीन तक पहुंचना जरूरी हुआ। पिंकी राज पुरोहित इसीलिए सबसे पहले केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम पहुंची हैं। इस घर का हाल देखिए, रोते बिलखते इन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। सुनी मांग के साथ पत्नी रीना अब भी बाहर से अपने पति के आने का इंतजार करने लगती हैं। हाथ में पति राजेश की फोटो है, जिनसे 7 साल पहले शादी हुई थी। बुजुर्ग पिता हैं घर में, जवान बेटे के गुजर जाने से कंधा टूट गया है, क्योंकि इस घर को चलाने वाले संघ के स्वयंसेवक राजेश की 29 जुलाई को बेहद निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। कैसे, आप सुनेंगे तो कांप जाएंगे। 29 जुलाई की रात को एक परिवार ने अपना बेटा तो खोया ही, साथ ही 2 मासूम बच्चों ने अपने पिता को भी खो दिया। केरल में चल रही खूनी राजनीति का शिकार हुए राजेश ने शायद ही कभी ये सोचा होगा कि उन्हें इतने दर्दनाक मंजर से गुजरना होगा, लेकिन ये सच है कि इस खूनी राजनीति के कारण राजेश के शरीर पर तकरीबन 89 घाव और साथ ही उनके बाएं हाथ को काट दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। केरल में संघ के स्वयंसेवक राजेश का बायां हाथ काटकर शरीर पर 89 बार वार करके मौत के घाट उतारने का आरोप सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर है। मेरे पति आरएसएस की शाखा में हर दिन जाया करते थे और रोज की तरह शाखा से लौटते वक्त दूध और बिस्किट बच्चों के लिए खरीद रहे थे। तभी सीपीएम के कुछ गुंडों ने दुकान में घुसकर मेरे पति पर हमला किया, एक दो बार नहीं 89 बार किया, मेरे पति का बायां हाथ काट दिया। केरल में संघ के स्वयंसेवक राजेश की निर्मम हत्या के बाद से लगातार आरएसएस देश भर में प्रदर्शन भी कर रहा है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरएसएस के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले एक वीडियो तक जारी कर चुके हैं, जिसमें आरोप है कि सीपीएम शासित केरल में कानून अपने हाथ में लेने को खुलकर घूमते हैं लेफ्ट के कार्यकर्ता। संघ की तरफ से जारी किए गए वीडियो को आप भी देखिए। केरल में वाकई यही हो रहा है? राजधानी त्रिवेंद्रम में ही संवाददाता पिंकी राज पुरोहित जब इस दूसरे घर में पहुंची तो देखिए कैसे अपने बेटे की फोटो लेकर माँ पपक कर रो पड़ी। ये तस्वीर 19 साल के विष्णु की है, जो त्रिवेंद्रम में आरएसएस के स्वयंसेवक थे। पिछले साल 7 अक्टूबर को घर के बाहर बैठे विष्णु को आरोप है कि सीपीएम के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने घेर कर धारदार हथियार से काट डाला। बेटे को बचाने आई मां पर भी हमला किया गया, जिसके निशान आज भी विष्णु की मां के हाथ पर दिखते हैं। मेरा बेटा संघ की शाखा में सक्रिय था, उसके कहने पर कई लोग संघ की शाखा में जाने लगे थे, तभी से उसे धमकियां मिल रही थी और फिर उस दिन सीपीएम के लोगों ने हमला किया। हमला करने वाले आज भी हमें धमकी देते हैं। तो क्या केरल में संघ कार्यकर्ताओं की हत्या का जो आरोप सीपीएम पर लग रहा है उसकी वजह आरएसएस का केरल में बढ़ता प्रभाव है? संघ की मैगजीन ऑर्गेनाइजर में इसी तरफ इशारा करता एक आर्टिकल तक छापा गया। जानकारी मिली कि गुजरात जैसे बीजेपी संघ के गढ़ में, जहां आरएसएस की 3000 शाखाएं ही चल रही हैं, वहीं केरल में आरएसएस की अब करीब 4600 शाखाएं चलने लगी हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में केरल में बीजेपी ने 10% वोट हासिल किए और एक सीट भी जीती थी।
क्या दक्षिण में संघ और बीजेपी की बढ़ती पैक के कारण खूनी राजनीति को बढ़ावा मिला? आरएसएस के बड़े नेता इसी तरफ इशारा करते हुए इन हत्याओं को स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी सीपीएम शासित सरकार की शह पर हो रहा मर्डर बताते हैं। केरल में सामान्यतः जो एक पद्धति है, केले के जो बड़े पत्ते होते हैं, लंबे, बिना काटे हुए लंबे पत्ते होते हैं, उस पत्ते के ऊपर अर्थी को, शव को रखा जाता है। तो इसलिए आपके घर में किसी को एक शव बनाने वाले हैं कल, ये कहने के लिए रात को संघ के स्वयंसेवकों के घर के सामने आकर चोरी चुपके ऐसे पत्ते रखना, उस पर दो चार फूल लगाना, ये करके जाते हैं। दैट मीन्स एवरी मर्डर इज ए कैलकुलेटेड वेल कंस्पायर्ड टारगेटेड अटैक्स। केरल में चूंकि संवैधानिक सब प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था आज ध्वस्त हो गए हैं, इसलिए देश में राष्ट्रपति, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए डिमांड होनी चाहिए, ऐसे हम भी कहेंगे। लेकिन ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती। क्या केरल में सिर्फ संघ के कार्यकर्ताओं का ही कत्ल वर्चस्व की राजनीति में हो रहा है? नहीं, यहाँ तस्वीर कुछ और भी नजर आती है। केरल पुलिस क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं, 1995 से अब तक केरल में अगर आरएसएस बीजेपी के 40 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई तो सीपीएम के भी 39 कार्यकर्ताओं का सियासी मर्डर हुआ है। ये हमले तो हमारे ऊपर ज्यादा हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता ज्यादा मरे और इस पूरा का पूरा हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ आरएसएस की तरफ से, हमारे सीपीएम के लोगों के ऊपर अटैक करते हुए। जिस दिन वहाँ पर चुनाव के नतीजे आने लगे, आपके असेंबली चुनाव के, हिंसा की शुरुआत आरएसएस का थी। और ये तरीका है आरएसएस का और बीजेपी का, बिना हिंसा की, बिना तनाव की, उनकी सामाजिक आधार, राजनीतिक आधार कहीं पर भी देश में नहीं बढ़े। आंकड़े यही कहते हैं कि राजनीतिक हत्याएं दोनों तरफ से हो रही हैं। तो फिर इसकी असली वजह क्या है? केरल में कहां होती है सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्या? और क्या केरल में हो रही राजनीतिक हत्याओं के पीछे कोई सांप्रदायिक रंग भी है? हर सवाल का जवाब मिलेगा आज ही आपको बस अगली रिपोर्ट में। घर के दरवाजे की तरफ चलकर आते हुए जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केरल के त्रिशूर जिले में रहने वाले आरएसएस के स्वयंसेवक सदानंदन मास्टर हैं। आज ये चल पा रहे हैं तो ये इनकी इच्छा शक्ति है, वरना सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने 23 साल पहले इनके दोनों पैर काटकर एक खास वजह से सजा दी थी। And I reached my village, that is in Uruvachal. Immediately after I get down from the bus, they came forward and caught me from backside and put down me on the road, chopped off my two legs itself. सदानंदन मास्टर के मुताबिक 25 जनवरी 1994 को उनके दोनों पैर सिर्फ इसलिए सीपीएम के कुछ कार्यकर्ताओं ने काट दिए थे क्योंकि ये पहले कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा डंडा उठाते थे, लेकिन बाद में आरएसएस की राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े तो ये बात सीपीएम के काडर को पसंद नहीं आई। 1994 से अब तक केरल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है सीपीएम के शासन में आते ही केरल में राजनीतिक हत्याएं और हमले अचानक बढ़ जाते हैं। 1996 से अब तक केरल के कन्नूर में अगर 96 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, तो 21 साल में 96 सियासी मर्डर में से 65 हत्याएं सीपीएम के शासनकाल में हुई। आखिर केरल का कन्नूर ही क्यों? कन्नूर में ऐसा क्या है जहां 67% राजनीतिक मर्डर सीपीएम के शासनकाल में हो गए? वजह क्या है? पहले हमने दिल्ली में ये जानना चाहा, संघ विचारक और लेफ्ट के नेताओं की अब यहाँ पर दलील जरा सुनिए। कन्नूर एक ऐसा जगह है जहाँ जिसमें कई गांवों को पार्टी ग्राम कहा जाता है। पार्टी ग्राम का मतलब होता है कि उन गांवों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर किसी भी दूसरे संगठन के लोग, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हों, फॉरवर्ड ब्लॉक के हों, मुस्लिम लीग के हों या संघ के हों, वे उन गाँवों में राजनीतिक उद्देश्य से नहीं जा सकते। तो संघ को रोकने के लिए कन्नूर में हिंसा हो रही है और कन्नूर की हिंसा के पीछे
सीधे मुख्यमंत्री का हाथ है। अब वो इस देश को तोड़ना चाह रहे हैं, देश के सांप्रदायिक विभाजन करना चाह रहे हैं और यहाँ पे रूढ़िवादी तत्व को ले आना चाह रहे हैं और प्रगतिवादी को, चाहे विज्ञान में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे सब जगह पर उसको तोड़ना चाह रहे हैं। संघ विचारक राकेश सिन्हा पार्टी ग्राम का जो जिक्र कर रहे थे, इसलिए जरूरी हुआ कि उसे समझा जाए। संवाददाता पिंकी राजपुरोहित केरल के कन्नूर जिले की तरफ बढ़ी और पहुंची पिनाराई गांव। ये गांव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का है। यहां पहुंचे तो कई जगह ऐसी नजर आई जहां चौराहा हो या फिर सड़क किनारे के खंभे, पेड़ हो या फिर बस स्टॉप, हर जगह सिर्फ CPM की मुहर, झंडा और डंडा नजर आ रहा था। केरल के कन्नूर जिले का पिनाराई गांव, जो कि केरल के CM पिनाराई विजयन का होम टाउन है, ये एक तरह से CPM का गढ़ माना जाता है। और ऐसा गढ़ कि अगर दूर दूर तक आप देखेंगे, आपको यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मिलेगी जो ये साबित करती है कि ये कैसा एक तरह से लाल गढ़, या ये कहे कि CPM का ये गढ़ है। और इस तरह से हर चौराहे पर आपको CPM का ये जो चिन्ह है वो आपको नज़र आएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ इतना ज़्यादा इनका स्ट्रांग होल्ड है, और केरल के कई ऐसे गांव है जहाँ पर CPM का एक तरह से स्ट्रांग होल्ड है कि यहाँ पर कोई और आ ही नहीं सकता। और यही आरोप जो है वो BJP और RSS के कार्यकर्ता भी लगाते रहे कि कई ऐसे गढ़ हैं CPM के जहाँ पर कोई और जा ही नहीं सकता और पूरी तरह से वो लाल गढ़ बन चुका है। केरल में जितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं उनमें से अकेले 36% कत्ल का गवाह है कन्नूर जिला। उसी कन्नूर के पिनाराई गांव में संवाददाता पिंकी राजपुरोहित CV रविंद्रन के घर पहुंची हैं, जिनकी पत्नी गीता अपने पति को याद कर रोने लगी। CPM कार्यकर्ता CV रविंद्रन का कत्ल तब हो गया था जब 19 मई 2016 को लेफ्ट की केरल में जीत के बाद वो विजय जुलूस में शामिल थे। आरोप है कि तभी RSS के कार्यकर्ताओं ने बम फेंका जिसमें रविंद्रन की जान चली गई। कन्नूर सबसे ज्यादा वायलेंस यहीं पर देखा जाता है, पॉलिटिकल वायलेंस की बात करें। और जब जब CPM का कार्यकर्ता अपनी जान गंवाता है तो पार्टी की ओर से ऐसा एक स्मारक उनके लिए बनवाया जाता है ताकि उन्हें हमेशा याद रखा जा सके। एक तरह से जब पार्टी के लिए अगर कोई जान गंवाता है तो उसे रक्त साक्षी के तौर पर, यानी एक तरह से जो पार्टी के लिए अपनी जान गंवाता है उस तौर पर देखा जाता है। और जो भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपनी जान गंवाता है उनके घर के बाहर इसी तरह का एक स्मारक बनाया जाता है। केरल में अपने कार्यकर्ता के कत्ल के बाद CPM का काडर सिर्फ उसका स्मारक ही नहीं बनवाता बल्कि 10 लाख रुपए तक की मदद भी करने लगता है। लेकिन यहाँ ये सवाल खड़ा होता है, अगर CPM के कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं तो क्या इसके पीछे संघ के स्वयंसेवकों का हाथ हो सकता है? यहाँ पर RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का बयान बहुत ध्यान से आप सुनिए। रिटेलिएशन, जब मेरे और आपके ऊपर हिंसा में प्रहार होगा या अत्याचार में प्रहार होगा तो उससे सुरक्षा करना ये आक्रमण नहीं है। सुरक्षा आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है, आक्रमण उसकी शैतानी हिंसा है, वो अधिकार नहीं है, ना कर्तव्य है ना अधिकार है, पर सुरक्षा करना कर्तव्य और अधिकार बनता है। प्रजातंत्र में हिंसा की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि राजनीति अपराध शास्त्र के नियमों से नहीं चलती, जहां सेल्फ डिफेंस में हत्या को गुनाह नहीं माना जाता। इसलिए संघ नेता इंद्रेश कुमार की ये दलील गले नहीं उतरती, हिंसा हिंसा ही होती है। पर वामपंथी इस मुद्दे पर और आगे चले जाते हैं। सीताराम येचुरी का दावा है कि संघ का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण केरल में हालात के लिए जिम्मेदार है। ये उत्तरी केरल में ही ये क्यों होता है ये हिंसा? क्योंकि मुस्लिम आबादी वहाँ पे ज्यादा है और RSS उनको टारगेट करती रही। हालांकि खुद को धर्म निरपेक्षता की राजनीति का चैंपियन कहने वाले सीताराम येचुरी की जानकारी के लिए हम एक आंकड़ा रखते हैं। केरल की हिंसा पर रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ केपटाउन की लेक्चरर रुचि चतुर्वेदी के मुताबिक सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याओं का गवाह कन्नूर जिला उत्तर केरल में ही है। कन्नूर की हिंसा में थिया जाति के लोग ज्यादा मारे गए जो OBC हैं और गरीब परिवार के हैं। हिंसा में मारे गए 80% हिंदू हैं और इसमें 70% युवा बेरोजगार। ऐसे में इस पूरे मामले में हमारी पड़ताल के मुताबिक इस हिंसा के पीछे सांप्रदायिकता की मात्रा उल्लेख करने लायक भी नहीं। हाँ,
वामपंथियों को दक्षिण पंथ की कड़ी चुनौती मिल रही है, जिसकी वजह से वो हिंसक होते हैं और प्रत्युत्तर में स्वयंसेवकों पर भी हिंसा के आरोप लगते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि ऐसी हिंसक स्थितियों को अगर राज्य सरकार रोक नहीं पा रही है और सीपीएम के सत्ता में आने पर केरल में हिंसा में बढ़ावा होता है, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को संविधान की रक्षा, देश की एकता और अखंडता, कानून व्यवस्था और जन शांति बनाए रखने के लिए वहां पर गंभीर और निर्णायक कदम उठाने चाहिए। वो एक संसदीय पहल भी हो सकती है और संविधान के दायरे में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल भी, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक चीज कोई है तो वो राजनीतिक हिंसा है। लोकतंत्र में असहमति का मतलब असहिष्णुता नहीं हो सकता। देश के बुद्धिजीवियों को भी इस असहिष्णुता के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।